काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आना हुआ ना। पिछले साल मेरा बर्थडे था जब 10 मार्च को, और जिसको पता नहीं मेरा बर्थडे कब होता, तो मेरा बर्थडे 10 मार्च को है, अगले मंथ 10 तारीख को। तो गाइस जिस लोकेशन पे हमारा शूट होने वाला है वो है हमारी बटालुआ मंदिर के आसपास की लोकेशन। और ऐसे मौसम में ना चाय पीने का अलग ही स्वाद है अपना, क्या बोलते भाई, है ना ये। सो गाइज ये है एक यूट्यूबर की स्टार्टिंग स्ट्रगल लाइफ, मतलब जुगाड़ों से भरी पड़ी। और ये देखो भाई ने क्या जुगाड़ लगाया, मतलब मस्त जुगाड़ देख रहा है। ये देखो गाइज कुत्ता कैसे देख रहा है। हाँ अभी चोरे इन भाई खेट में देता दाड़ी का, वो कुत्ते से बड़े डरी था भाई। गाइस ये देखो आज सुबह सुबह ना मतलब किस तरह से काम चला हुआ है, और मतलब आज ना सुबह सुबह नींद ही जागती है भाई। सो गाइस गुड मॉर्निंग, आज सुबह सुबह ना इन लोगों ने मतलब सोने नहीं दिया, सुबह से लगे थे यार 5-6 बजे के लगे हुए थे, क्योंकि मशीन थी ना फंस चुकी थी, गली है छोटी सी गली है तो मशीन लेके जानी थी। तो फिलहाल ना सुबह सुबह नींद ही जागती यार, सुबह के लगे थे जोर जोर से जोर लगाने में, मशीन भी बड़ी थी तो जोर तो लगना ही था। ये है मम्मी, मम्मी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। ओ हे गाइस अगेन मॉर्निंग, स्वागत है अभी सब आप सभी का आज के व्लॉग में। सुबह तो गाइस आपने देखा ना नींद से जल्दी जाग गई थी, काफी ज्यादा शोर था। और आज ना हम जा रहे हैं शूट करने। सबसे पहले राठौर भाई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और भाई ठीक है वैसे, और बस भाई बढ़िया बढ़िया। और फिलहाल गाइस ना आज हमारी जो वीडियो शूट होने वाली है भाई की, भाई का चैनल है, काफी वीडियोज में मिलाया है भाई के साथ, और शूट के लिए जा रहे हैं। बिहाइंड द सीन जितने भी होंगे आपको दिखाने वाले हैं, और हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में उसमें वीडियो बनने वाली है चुराई लैंग्वेज में। और फिलहाल वीडियो आएगी, बिहाइंड द सीन जितने भी होंगे मेरे चैनल पे आएंगे। बाकी अभी जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की है वो इस तरह की कुछ है, फिलहाल रास्ता है, लोकेशन तो अभी काफ़ी दूर है। और भाई ठीक है ना सब कुछ, माशाल्लाह हाय हाय चुराई लग रही है इसलिए बातें नहीं निकल रही है, सांस फूल रहे हैं। ये देखिए गलियों से होकर ये चले हमारे कलाकार वीडियो शूट करने, ये है हमारे अपने कलाकार। हाँ जी कलाकार हो फिर गलियां गलियों से जाते हुए। तो गाइस जिस लोकेशन पे हमारा शूट होने वाला है वो है हमारी बटालुआ मंदिर के आसपास की लोकेशन, और यहाँ से ना मंदिर स्टार्ट होता है, फिलहाल हम यहीं से होकर जाएंगे। और ये है फर्स्ट पॉइंट, मतलब सीढ़ियाँ जहाँ से चढ़ते हैं मंदिर के लिए, और यही इसी लोकेशन पे गाइज हमारी जो वीडियो है ना शूट होने वाली है, तो काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। और ये है सारी गाइज टीम जितने भी लोग हैं, और जय माता दी सबसे पहले। और गाइज ये है मंदिर, अभी मंदिर भी दिखाऊंगा गाइज ऊपर जाके, बाकी बस आप लोकेशन देखिए काफ़ी अल्टीमेट है। हाँ जी भाई लोग क्या फीलिंग है फिर पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा है, चलो बढ़िया। हाँ जी भाई नहीं था मजा गाइस, चढ़ाई बहुत है यार, बाकी तो मतलब मस्त है सब कुछ, चढ़ाई बहुत है। और गाइस ये है हमारे एक्टर लोग मेरे आगे आगे अरे गाइस यहाँ का व्यू देखो यार, काफी मतलब प्यारा व्यू है। और आसपास ना पेड़ ही देखने को मिलेंगे आपको, थोड़ा घुमाना कैमरा थोड़ा पेड़ों की तरफ। वैसे आज थोड़ा ना मौसम थोड़ा ख़राब सा है। सो गाइस सामने देख सकते हो यहाँ पे हैं, चला भाई चला, दौड़ना दौड़ना भाई दौड़ना दौड़ना, दौड़ नहीं लगानी भाई, सब कुछ कर लेना भाई। हम 3 दिन लोग हैं और बंदर से डर रहे हैं, मतलब डर देखो हमारा यार, हैं डरना ज़रूरी है। वैसे जो डरता है इंसान वो कंट्रोल में रहता है, वो गलत काम नहीं करता कभी भी। और गाइस माहौल देखो यार, काफ़ी प्यारा माहौल है यहाँ का। हाँ जी मंदिर के साथ क्या गलत काम कर रहे थे? नहीं यार वो तंग कर रहे थे ना उसको फालतू का, वो बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था ये तो फिर गलत बात है ना भाई। रोमांटिक वीक चला हुआ इस वक्त। हाँ जैसे ना हमारे लड़कों और लड़कियों के चले ना वैलेंटाइन वीक अभी, तो वैसे भी इनका भी कुछ होगा रीति रिवाज, तो छेड़ नहीं सकते इस टाइम पे ना किसी को, तो चलो रहा कम। हाँ क्या ही बोले गाइस, फाइनली गाइस हम लोग ना मंदिर का जो गेट है मेन, जहाँ से शुरुआत होती है मंदिर की टेंपल की हमारे, वो आ गया है। और यहाँ पे ना गाड़ियाँ लगाने के लिए हल्की सी पार्किंग भी है, तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर। उफ चढ़ाई बहुत है। जय जालपा माता मंदिर बटालुआ। और ये देखिए गाइस
फाइनली गाइज हम लोग जिस लोकेशन पे हम जाना चाहते थे उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारा ये है बटालुआ मंदिर, आगे यहाँ का थोड़ा माहौल दिखाना। गाइज ये है सामने मंदिर, बटालुआ माता का मंदिर। तो गाइज देख सकते हो यहाँ का ना माहौल कुछ इस तरह का है। मंदिर के बिल्कुल यहाँ पे ना बैठने के लिए काफ़ी बड़ा प्लेस है। एंड ये है हमारा पीछे मंदिर, देख सकते हो। तो अभी गाइज मंदिर के बारे में डिटेल वीडियो लाएंगे, बट आज नहीं, किसी और दिन। आज ना स्पेशली हम शूट करने आए, तो अभी जो शूट जहाँ पे शूट होने वाला है वो वाली लोकेशन थोड़ी आगे चल के है, तो आपने बस बने रहना है। ये है लोकेशन, जिस लोकेशन पे हमें जाना है। और अभी हमारे ना एक्टर लोग आगे आगे निकल चुके हैं। मैं थोड़ा यहाँ आसपास का व्यू ले रहा था, इसलिए पीछे रह गया। और काफ़ी अल्टीमेट व्यू है गाइस जहाँ पे ना हमारा शूट होने वाला है वीडियो का। काफ़ी प्यारी जगह है, थोड़ा ऊपर जाके है। ये था गाइस मंदिर की मेन लोकेशन, बट जो हमारी जहाँ पे हमें जाना है वो थोड़ा ऊपर चल के है, तो अभी दिखाएंगे आपको। आपने बने रहना है बस। गाइज काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आना हुआ ना। पिछले साल मेरा बर्थडे था जब 10 मार्च को, और जिसको पता नहीं मेरा बर्थडे कब होता, तो मेरा बर्थडे 10 मार्च को, अगले मंथ 10 तारीख को। तो गाइज उस टाइम पे हम लोग आए थे, मुझे जहाँ तक याद है। तो उसके बाद नहीं आए यहाँ पे, तो अभी काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह यहाँ पे लग चुके हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मतलब पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, और बाकी आसपास तो पेड़ ही पेड़ हैं। बाकी रास्ता कुछ इस तरह का है, रास्ता देखो यार, मतलब काफ़ी अच्छी वाइब आती है इस तरह के रास्तों पे हमें। और बने रहिए बने रहिए बने रहिए। हैं और गाइस सामने देखो यार, हमारे ना भाई लोग, मुझे लगता है लोकेशन पसंद आ चुकी है, और अभी यहीं पे शूट होने वाला है हमारा शायद, मे भी। और भाई गलती से स्लिप लगा ना, तो नीचे काफ़ी गहराई ऊंचाई है। हाँ जी भाई लोग, मिल गई लोकेशन हैं, यहाँ भी होगा शूट। तो गाइज यहीं से हमारी ना शूट की स्टार्टिंग होने वाली है, तो शूट ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पीछे सभी हमारे भाई लोग रेडी हो चुके हैं। भाई हाई कर दो यार सभी। हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग? तो काफ़ी मतलब मज़ा आने वाला है। हाँ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना हमारे बंदर जी भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा। बंदर जी बंदर जी बंदर जी, आई वो ओ भाई भाई इनको नहीं छेड़ना यार, ये बड़े बदमाश होते हो। देख कैसे डरा रहा है, कैसे डरा रहा है दूर से। और हम लोग ऐसे हैं कि मतलब कितने, पांच लोग यार, पांच लोग भी डर रहे हैं एक बंदर से। सबसे पहले भाई जुगाड़ दिखाना हमारे, ठीक है? क्योंकि जुगाड़ों के अटके हमारे ना लाइफ नहीं चलती है। जुगाड़ भी जुगाड़ भाई, क्लोज से दिखाना थोड़ा। और ये देखो, ये है हमारे जुगाड़, और ये है हमारे शस्त्र। हाय हाय, बाकी ये है लोकेशन। बाकी आप बने रहिए, बिहाइंड द सीन जितने भी होंगे आपको दिखाएंगे। सो गाइज ये है एक यूट्यूबर की स्टार्टिंग स्ट्रगल लाइफ, मतलब जुगाड़ों से भरी पड़ी। और ये देखो भाई ने क्या जुगाड़ लगाया, मतलब मस्त जुगाड़। और ये हमारा ट्राईपोड स्टैंड खड़ा हो चुका है फिलहाल, काफ़ी छोटा था। इसकी ना नीचे वाली टांगे ना कट चुकी थी, तो हमने इसकी हैंडमेड टांगे लगा दी। तो मतलब देख सकते हो ना हमारा, मेरे बराबर लगभग हो चुका है मेरी गर्दन तक। और अभी काफ़ी मज़ा भी आने वाला है, बाकी आप बने रहिए। और क्या क्या जुगाड़ है हमारे पास? ओ भाई सबसे बेस्ट जुगाड़ तो ये है यार, मतलब स्टेबल रखने के लिए स्टेबलाइजर हमारा हैंडमेड, हमारे भाई ने स्पेशली तैयार किया इसे। तो मतलब काफ़ी जुगाड़ू है हमारे भाई। भाई जुगाड़ तो लगाने पड़ते हैं यार, बिना जुगाड़ के लाइफ ही नहीं चलती। ये देखो भाई, ये ट्रिमर भी हमारे काम आएगा। हंसना मतलब ट्रिमर भी हमारे काम आएगा फिलहाल यहाँ पे। और ये देखो स्टिक, हमारी स्टिक, आगे वाला कुछ भी नहीं है, बट पीछे वाला ये डंडा काम आएगा। एंड गाइज ये देखो यार, ये भी हमारे काम आएगा, फिलहाल चलता नहीं है। और गाइज बाकी और भी बहुत कुछ है, आप बने रहिए। ये चीज दिखाना भाई क्लोज से। भाई ये किस चीज का बनाया है आपने? भाई बांस का, बांस का। भाई कहाँ से आते हैं ऐसे लोग भाई, ऐसे जुगाड़ी लोग। यही है भाई, सही सही है सही है ना भाई की जरा क्लिप। हैं 4K मच करे भाई शूट। ये भाई हाँ।
गाइज अभी देख सकते हो हमारा शूट कंटिन्यू है और फिलहाल काफ़ी मतलब मुझे अंधे का रोल मिला है गुंगा नहीं रेस्ट मिला और हमने ना रिफ्रेशमेंट के लिए चाय भी लेके आए थे हम साथ में और ये देखो यार मतलब ऐसे मौसम में ना चाय पीने का अलग ही स्वाद है अपना क्या बोलते भाई है ना ये देखो भाई गर्म है वैसे हाँ भाई तो ज़्यादा चाय बना रही क्या गल तो गाइज ये थी हमारी लोकेशन जो हमारा फर्स्ट टारगेट था मतलब जितना शूट हमने करना था फिलहाल उतना हो चुका है और अभी रिफ्रेशमेंट लेने का टाइम है हम चाय वगैरह लेके आए घर से और अभी फिलहाल थोड़ा आगे जाके ना चाय वगैरह पियेंगे और ये देखो इनकी हरकतें हैं ऐसा नहीं करना चाहिए भाई गलत बात है सो आओ भाई आगे गाइज यहाँ पे ना मंदिर भी है तो वातावरण तो काफ़ी फ्रेश है और यहाँ पे पानी वगैरह भी रहता है तो हम पानी वगैरह पी लेते हैं एंड चाय वगैरह पी लेते हैं क्या बात है गाइज आप बने रहिए वो भाई इनके भी मोमेंट कैप्चर कर लो यार भाई कैसा फील हो रहा है फिर एकदम ठंड भरा माहौल है गाइज वैसे ठंड भरा माहौल है वैसे पता नहीं चला टाइम कितना हो गया ये देखो यार ये थी काफ़ी अल्टीमेट लोकेशन और ये आगे आगे सभी लोग और लोकेशन तो काफ़ी प्यारी है ये देखो और फिलहाल रिफ्रेशमेंट लेने के बाद नेक्स्ट अपना शूट करेंगे भाई सुबह का खाना भी नहीं खाया यार आज तो लेके भी नहीं आया और हम कुछ खाने के लिए मैं भाई कहाँ टाइम ही नहीं लगता है आए हाय 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 गाइस 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 हाँ मित्रों शूटिंग ना भाई लोकेशन है अल्टीमेट फिल्म से इद्दी इद्दी भाई त्रैटी नहीं गा भाई एडी पानी है मंदा सो फाइनली गाइज यार अभी टाइम हो रहा है 5:30 और फाइनली हमारा जो शूट है ना कंप्लीट हो चुका है और हम लोग चल दिए अब घर की तरफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है काफ़ी मतलब खाना भी नहीं खाया सुबह का बीच में चाय पी थी बस चाय से ही गुजारा कर लिया पूरा दिन और चार्जिंग भी उतनी नहीं है कि कंटिन्यू रखूँ अभी फिलहाल और घर जाते हैं उसके बाद चार्ज करते हैं फ़ोन उसके बाद करते हैं बाकी गाइज लोकेशन तो एक नंबर थी यार बाकी भाई कैसा मज़ा आया बहुत ज्यादा हंजुआने मुक जाना है क्या बात है राठौर भाई फिर कैसी फीलिंग रही फीलिंग बहुत ही शानदार थी शानदार के बाद काफी दिन के बाद बिल्कुल दिन के बाद वीडियो सो गाइस वीडियो भी काफी शानदार आने वाली है आपको अपडेट देता रहूंगा बाकी आपने बस बने रहना है सो गाइज रात के बज रहे 12 गाइज शाम को ना थक भी लगी थी खाना भी नहीं खाया था और चार्जिंग भी नहीं थी हमारे फोन में भाई डरा हुआ मैं सच में डर गया मतलब क्या हो गया और फिलहाल गाइस अभी हम भाई के रूम जा रहे हैं अभी दूसरे भाई के रूम थे तो भाई कहाँ गए भाई डरे मेरा हमारे भाई को कोई नहीं भाई मैं पीछे चलता हूँ और गाइस ये है हमारे राठौर भाई पीछे छोटे राठौर ये बड़े राठौर ठीक है छोटे मियां बड़े मियां जूनियर सीनियर या बिल्कुल और फिलहाल गाइस ना आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करेंगे और कल भी हमने शूट पे जाना है तो जितने भी बिहाइंड द सीन होंगे आपको दिखाने वाला हूं बाकी दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी भाई और आज के व्लॉग का एंड यहीं पर करना चाहूंगा वो हाल है आ कौन छोटा भाई यार क्या पागल मती मत करो ना यार गाइस पत्थर फेंक रहे आके यार डरा रहे मतलब मेरे को हैं मेरे को डराया जा रहा है इधर भाई आप डरते थोड़ा आपके साथ पब्लिक है पब्लिक भाई रात को थोड़ी अभी मेरे साथ को रात पंगे मत लो यार कुत्ते के साथ भाई कैसे देख रहा है ये देखो गाइस कुत्ता कैसे देख रहा है हां बिचोरे इन भाई खट में दें दाड़ी का वो कुत्ते से बड़े डरिंग था भाई तू दे देनी मोला अड भाई 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 मो चढ़ भाई भाई वो ना चढ़ भाई मो खास कर भाई गाइस ये लोग मुझे डरा रहे हैं क्योंकि मैं इनके इलाके में फिलहाल इनको पता है यहाँ के एरिया का और कभी कुत्ते से डरा रहे हैं कभी पत्थर फेंक रहे हैं और कभी सोध ना बन दे भाई डराओ मत यार ऐसा नहीं करते मैं कमजोर दिल वाला बंदा हूँ पहले ही और गाइस आज के व्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए नहीं ना भाई एडिटिंग का काम एडिटिंग तो करूंगा भाई बट चलो आज का व्लॉग ऐसे ही चलाते हैं गजब सच मेरा डरावने सीन हो जाते हैं रात को तो
क्या बोलते राठौर भाई भाई मैंने नहीं बनाने व्लॉग में छोड़ रहा हूँ व्लॉग बनाने मैंने नहीं बनाने मैंने नहीं खेलना भाई मैं नहीं आया रात को आप लोगों के साथ भाई डरा डरा के बुरे हाल यार मेरे ऐसे कौन करता है मैं मानू आपका भाई आपके इलाके में आया हुआ ये देखो भाई।